मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन है, इसे क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और गाइस आज इस समय जो है ना हो रहा है 7:15 और दिन है, मतलब आज का दिन तो ट्यूसडे है और आज की तारीख है 12 मार्च। और गाइस अभी सोचते हो कि जब तारीख और दिन बताती तो बड़ा सोचती है, तो ऐसा नहीं है, पर कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी तारीख और जो है ना याद नहीं रहता, डे तो याद रहता है कि चलो आज मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ऐसा याद रहता है, तारीख जल्दी याद नहीं रहती है। तो वही मैं सोचती हूँ कि आज की तारीख क्या है। तो गाइज मैं अब जो है जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं किचन में हूँ और किचन में ही से आज ब्लॉग में बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ इस समय चाय और चाय बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि लाइव किचन से ही ब्लॉग चालू कर देते हैं। हर समय तो मैं या तो बेडरूम से चालू करती हूँ या तो बेडरूम से चालू करती हूँ, तो आज मैंने सोचा चलो किचन से चालू करती हूँ। तो गाइज इस समय मैं बना रही हूँ चाय और मेरी चाय चढ़ चुकी है, पक रही है, देखते हैं कब तक पकाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पकी हुई चाय पसंद है, मतलब धीमी गैस में मैं काफ़ी देर तक, मतलब 3-4 मिनट तक मैं पकाती हूँ, उसके बाद ही पीती हूँ। तो गाइस है चाय पक रही है और मैंने जो है ना आपको दिखाया नहीं था कि मैंने जो है ना कुछ सामान मैं लेकर आई थी कॉस्मेटिक का, तो जो है ना शादी में मैं चली गई थी, क्योंकि मैं 2 लिपस्टिक लेकर आई थी और मेरी साड़ी की लिपस्टिक नहीं मिल रही थी, रेड कलर की थी और पिंक कलर की थी, लेकिन मेरी साड़ी की मैचिंग ही नहीं थी, तो मैंने वो लेकर आई थी, पर मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि 8 तारीख को ही मैं लेके आई और 8 तारीख को मुझे जाना था, तो इसी वजह से मैं नहीं दिखा पाई। तो चलो चलिए गाइस मैं वो भी दिखा दूंगी आज के ब्लॉग में, जब मैं सब कुछ दिखाती हूँ, मतलब कि अपने जो भी मैं शॉपिंग करके लाती हूँ या मैं ख़रीदती हूँ या लेती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो चलते हैं गाइस। और आज मैंने अपनी भाभी से एक साड़ी और मंगवाई है, अगर वो आज आ जाती है तो मैं आपको मतलब होली के बाद ही दिखाऊंगी, क्योंकि वो होली की साड़ी है, और अगर मैं वो दिखा दूंगी तो मजा किरकिरा हो जाएगा, तो साड़ी होली में ही दिखाऊंगी। बट आज मैंने एक साड़ी मंगवाई है अपनी भाभी से होली के लिए, तो देखते हैं आता है कैसा होगा, वो भी मैं दिखाऊंगी बाद में। तो गाइस चलते हैं, पहले मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। बहुत गर्मी हो गई है, अभी तक लग रहा था कि मार्च में ठंडक जाएगी नहीं और ठंडक ऐसी गई, इतनी गर्मी होती, इतना पकाने वाली। एक तो मेरा फर्स्ट फ्लोर है और उसके ऊपर कुछ बना नहीं है बिल्डिंग, तो बहुत ही मतलब उमस सी गर्मी सी होने लगी है, तो मेरे पसीना आ रहा किचन में, तो मैं तो फ़ैन चला के अब सोती हूँ, फ़ैन चला के मैं दिन में रहती हूँ, चाहे मुझे सर्दी जुकाम बहुत हुई हो तो भी। और अब देख रहे हो कि मेरा सर्दी जुकाम ठीक हो गया, कल मैंने दवा खा ली थी, मतलब दोनों टाइम मैंने दवा खाई थी, जिसकी वजह से मेरा सर्दी जुकाम ठीक होने, तो कल तो मेरी जो हालत थी, मतलब बुखार भी था और सर्दी जुकाम हुआ था, तो सो अलग, तो कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी है ना मैं आप लोग के सामने अपने ब्लॉग लेके आई। लेकिन वही है कि अगर हम रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करते करते बहुत लेजी हो जाते हैं, और मेरा जैसा है कि मुझे काम करना अच्छा लगता है और मैं हमेशा बिजी रहना चाहती हूँ, तो मैं अगर हद से ज़्यादा मैं कोई चीज़ मतलब कि सोती हूँ या बैठती हूँ उठती हूँ, तो मतलब मुझे बहुत लेजी बना जाता है, और मैं थोड़ी सी लेजी हूँ भी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा बिजी रखूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग में बिजी हो जाएंगे, तबीयत भी अपने आप ठीक हो जाएगी। पर आज थोड़ी तबीयत ठीक हो चुकी है, फीवर तो नहीं आया और नाक बिच्छू मतलब मर्ज सुर सुर हो रहा था वो भी बंद हो गया है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और ठीक तो गर्मी हो रही है, तो अच्छी खासी सर्दी भी ठीक हो जाएगी। तो गाइस फ्रेंड यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और दूसरी तरफ मैंने तावे में ब्रेड को सेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेड सेक के खाना पसंद है, और मैं तावे में अच्छी तरीके से ब्रेड को रख करके उसमें मक्खन लगा के सेकती हूँ। और एक कटोरी में मैंने चना लिया है जो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, बच गया था, उसको मैंने ले लिया है, और मैंने थोड़ी सी नमकीन निकाली और इस ब्रेड को भी वहीं पर रख देंगे और नाश्ता करने जाएंगे। तो गाइस अब मेरा चाय हो चुका है और मैं चाय पी चुकी, तो फिर अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो बजा है 7:15-7:30 करीब में है, तो लेकिन मैं जा रही हूँ डिनर इसलिए बनाने, क्योंकि 8 बजे से पहले मैं डिनर बनाती रही हूँ, पर मुझे कहीं जाना है तो इसके लिए मुझे डिनर जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप
आपको बताया नहीं होगा कि मेरी चाची मतलब मेरी जो चाची हैं, मेरी अपनी चाची जो है, मतलब मेरे पति की नहीं, जो मेरी चाची हैं, तो उनकी जो है ना पथरी हुई है, मतलब स्टोन हुआ है, तो उसका आज ऑपरेशन हुआ है, तो उनको देखने मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। क्योंकि मॉर्निंग में मुझे पता चला था, पर मॉर्निंग में वो ऑपरेशन रूम में जा चुकी थी, तो मैंने कहा कि मैं इवनिंग में देखने जाऊंगी। तो आज अब मैं सोच रही हूँ खाना मैं बना लेती हूँ पहले, क्योंकि 8:30 बजे करीब में ये आएंगे, तो फिर इनके साथ निकल लेंगे, पहले उनको देख के आएंगे। कहते हैं ना कि सुख में भले शामिल हो ना हो, पर किसी के दुख में शामिल होना ज़रूरी होता है, और ये तो हमारी अपनी चाची हैं, तो इन्हें देखने जाना ज़रूरी ही है। और गाइस इसीलिए जो है ना मैं जल्दी जल्दी से आज खाना बनाने जा रही हूँ। और वही प्रॉब्लम होती है यार कि रात में क्या बनाएं, दिन में समझ में आता है कि आजकल मेरा दिन में ये होता है कि मॉर्निंग में सब्जी पराठा हो गया, तो दोपहर में जो है ना पूरा खाना हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी, तो रात में जो है ना हल्का खाना रहता है। तो वही मैं सोचती हूँ कि इतने टाइम में क्या बनाऊँ, मतलब कि जो हम लोग खाएं, क्योंकि अब चावल तो बनेगा नहीं, क्योंकि दिन में एक बार चावल हो गया, दो टाइम चावल नहीं खाना चाहिए, फैट बढ़ता है बॉडी में। मैं तो चावल खाती ही नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन इनके लिए थोड़े चावल रखे हुए हैं जो लंच में बने थे। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, दाल तो मैं बना चुकी हूँ, तो दाल नहीं बनाऊँगी। सोच रही हूँ या तो मैं मटर आलू की सब्ज़ी बना लूँ, तो मटर आलू की सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जी और रोटी हो जाएगी, हाँ यही बना लेती हूँ। तो फटाफट मैं मटर आलू काट लेती हूँ, सब्जी बनाती हूँ। मैं जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए। तो आलू मटर की सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, मैं सरसों की ऑयल से खाना बनाती हूँ, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं थोड़ा आलू को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। तो इससे क्या होता है कि आलू का टेस्ट बदल जाता है और जल्दी पकता है। तो मैं पहले थोड़ी देर के लिए आलू को फ्राई कर लूँगी। तो गाइस मैं सब्जी बनाने से पहले आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, इससे क्या होगा कि सब्जी भी बहुत टेस्टी बनेगी और जल्दी बनेगी। तो मैं आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी 5 मिनट तक। आलू फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसे प्लेट से निकाल लूँगी। मैं इस पे जो है ना लहसुन डालूंगी, और लहसुन को मैं गोल्डन कलर का हो जाएगा तब तक भून लूंगी। कलर का लहसुन हो गया, अब इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी। और प्याज को भी गोल्डन कलर का होने तक पकाऊंगी। गाइस ये गोल्डन कलर का हो गया है प्याज, तो अब मैं इसके अंदर ये चिली डालूंगी। ये 3 चिली है जिसको मैंने काट लिया महीन महीन से, मैं अब इसको ऐड कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये टमाटर है, ये एक बड़ा टमाटर है, इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और इसके अंदर मैं अब सारे रेगुलर मसाले डालूँगी। तो जैसे पहले मैं हल्दी डालूँगी, फिर मैं धनिया डालूंगी, फिर मैं रेड चिली पाउडर डालूंगी, रेड चिली पाउडर मैं आधे चम्मच से भी कम डालती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ग्रीन चिली डाल लिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी और टमाटर को गलने दूंगी। नमक तो डाला नहीं, नमक डाल देती हूँ पहले। तो मैं नमक डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये सारे मसाले को मैं अच्छी तरीके से पका लूंगी। तो फैन मेरा मसाला पक गया है, ये देख सकते हो कि ऑयल छोड़ दिया है मसाले में। तो अब मैं इसको सब्जी मिलाऊंगी। और सब्जी को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे।
थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें पानी मिलाएंगे क्योंकि मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे पानी मिलाऊँगी। फ्रेंड, मेरी जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरीके से भुंज गई है, अब मैं इसमें पानी मिलाऊँगी। जितनी भी मुझे ग्रेवी की ज़रूरत है उतना मैं पानी मिलाऊँगी इसमें, और इसको 5-10 मिनट के लिए और पकाऊँगी, उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँ। हाय फ्रेंड, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ? और मेरी मौसी के चैनल को सब्सक्राइब करना, करना, लाइक भी देना। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, तब तक मैं आटा सान रही हूँ। तो आटा सानने के बाद जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं रोटी सेकूँगी। और पास में ही सूप खड़ा हुआ है, वो मुझसे बिस्किट मांग रहा है, और मैंने कहा कि आटा सान लूँ तब दे रही हूँ, पर वो मान नहीं रहा है, और इसीलिए हम दोनों बातें कर रहे हैं। मेरी सब्जी बन गई है, अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। तो आप देख सकते हो कि मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, और अब इसमें मैं धनिया डाल करके अब रख दूंगी, और थोड़ी देर में मैं रोटी सेकूंगी। जब तक ये आएंगे तब मैं रोटी सेकूंगी। तो मेरी सब्जी बन चुकी है, बहुत टेस्टी, आप देख सकते हो बन चुकी है। आलू पक गए हैं और मटर भी पक गए हैं। अभी जो है ना हमारे लोग का डिनर बन गया है, और मैंने रोटी सेक ली है, तो अब जा रहे हैं हम डिनर करने। और डिनर में मैंने क्या बनाया था, तो ये मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो मैंने आपको दिखाया है, और ये दाल है जो लंच में बच गया था, तो वो दाल का इस्तेमाल मैं करूँगी। रोटी, चावल और यहाँ अचार है, दिखेगा नहीं, अचार नीचे रखा हुआ। तो गाइस, ये हमारा जो है ना डिनर बन गया है, तो मैं चलती हूँ डिनर करने, और मैं आपसे मिलती हूँ डिनर के बाद। तो गाइस, चलते हैं डिनर करते हैं साथ में, आइए आप लोग भी। डिनर हो चुका है, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ड्रेस चेंज कर लिया है, लोअर टी शर्ट पे आ गए। तो गाइस, बात यह है कि मैं अभी कहीं गई थी, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि मुझे चाची को देखने जाना है, पर मैं वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि रात हो गई थी, 9 बज गया था इनके आते आते, तो फिर जाना पॉसिबल ही नहीं। हॉस्पिटल में जो है ना 9-10 बजे तक बंद हो जाता है, मतलब कि लॉक कर दिया जाता है, फिर पेशेंट से मिलने के लिए मना हो जाता है। तो फिर किसी के पास जाओ देखने के लिए, अगर 1-2 घंटे ना रुक पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही मैंने सोचा कि कल जाकर उनको देख आएंगे। मेरी भाभी आई थी तो वो बता रही थी कि जो है ना अभी 4-5 दिन रुकेंगी, तो कल उनको देख आएंगे जा कर के। और मैं जो है ना बिल्कुल तैयार हो गई थी हॉस्पिटल जाने के लिए, फिर मुझे मतलब दुल्हन को भी देखना था। मेरे पास में ही एक जो है ना जहाँ मेरी शॉप है उसके बगल में एक शॉप है, तो उनके घर में शादी थी उनके बेटे की, मतलब कि मेरे देवर की, तो उनकी भी जो होने मतलब वाइफ आई थी, वाइफ ही है, तो वाइफ आई थी तो उसको भी देखना था। तो मैं वहाँ चली गई थी, फिर वहाँ से मैं अब 10 बजे आई, फिर 10 बजे के बाद फिर मैंने कहा कि चलो डिनर कर लेते हैं, तो डिनर वगैरह कर लिया है। तो गाइस, यही था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।